Лондри! Нет! Завод! Нет! Стэнк! Нет! Well done, boys. घबराइए मत शार्क्स, टेक योर पोजीशन बॉयज। ये सिर्फ एक ड्रिल थी जो दर्शाती है कि किस तरह हमारे सैनिक ऑपरेशनल एरिया में हमारे देश की और देशवासियों की हिफाजत करते हैं। जैन शार्क्स, मेरा नाम मेजर अनिल मलिक है और मैं एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर हूँ। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैंने देश की सेवा में कई ऑपरेशंस में हिस्सा लिया, जैसे ऑप पराक्रम, ऑप रक्षक, ऑप विजय, जिसे आप कारगिल युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सन 2002 में सेना ने मुझे अवसर दिया यूएस स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करने का। वहां मैंने देखा कि यूएस सोल्जर्स के पास बहुत सारे टैक्टिकल क्लोदिंग और टैक्टिकल गेयर्स की ऑप्शंस हैं। मुझे लगा कि अगर हमारे पास भी इस तरह के सॉल्यूशंस हों, इस तरह के टैक्टिकल गेयर हों, तो हमारे सोल्जर्स का ये काम आसान हो सकता है। इसी से प्रेरित होकर मैंने स्पेक ऑप्स की शुरुआत की। स्पेक ऑप्स का मकसद है कि हम ऑपरेशन को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट्स को डिजाइन करें ताकि सोल्जर्स उन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपना काम आसानी से पूरा कर सके। हमारी कंपनी जो है पहली ऐसी कंपनी थी जिसने टैक्टिकल कार्गोज लॉन्च की, जिसमें कि लाइक्रा है। जैसा आप जानते हैं कि लाइक्रा में स्ट्रेच होता है जिससे कि सोल्जर का कम्फर्ट बढ़ जाता है और इंड्योरेंस भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर ये सोल्जर आपको स्ट्रेच करके दिखाएगा। और इसी कार्गो प्रोडक्ट में हमने बहुत सारी पॉकेट्स दी हुई हैं जो आप देख रहे होंगे, तो इन पॉकेट्स का भी मकसद है कि सोल्जर जो अपने साथ सामान कैरी करता है वो अलग अलग पॉकेट्स में अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सामान कैरी कर सके। हथियार में मैगजीन चेंज करना ऑपरेशन में कई बार रिक्वायरमेंट होती है, तो रेडली एक्सेसिबल मैगजीन होती है। तो इसी तरह के प्रोडक्ट्स मैं और बना करके हमारे 16 लाख सोल्जर्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपसे आज मांगने आया हूँ 2% इक्विटी के अगेंस्ट 80 लाख रुपए। तो शख्स, आप में से कौन मेरे साथ इस स्पेशल मिशन में जुड़ना चाहेगा? थैंक यू बॉयज, आप जा सकते। तो मेजर अनिल, शार्क टैंक सीजन 3 पे आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि जिस तरह से आपने आपकी एंट्री की, वी ऑल हैड गूज़बम्प्स। तो फैंटास्टिक जॉब ऑन दैट। और ये बताइए कि वेरी बेसिक लेवल जब हम आर्मी के बारे में सोचते हैं या आर्मी के प्रोडक्ट्स के बारे में सोचते हैं, उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे जिससे दे कैन ओनली गेट इट फ्रॉम सर्टेन वेंडर्स, राइट? तो आपका, मुझे समझ में नहीं आया कि आप वन ऑफ दोज वेंडर्स बनना चाहते हैं, कि एग्जैक्टली आपका बिजनेस मॉडल क्या है, वो मुझे समझ में नहीं आया। आज की डेट में हमारे 16 लाख से अधिक हमारे सोल्जर्स जो हैं हमारे देश की सेवा में जुटे हैं। अभी कुछ सामान है जो कि ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू उन्हें सप्लाई होता है, कुछ सामान है जो नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर स्पोर्ट्स खेलते हैं, हर रेजिमेंट, हर यूनिट का अपना अलग लोगो होता है, सही है, अलग डिजाइन, कलर कोऑर्डिनेशन वगैरह होती है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सप्लाई के थ्रू नहीं आ सकती। तो उस जगह हमारे जैसे प्लेयर्स होते हैं जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं, नंबर एक, दैट इज स्पोर्ट्स। इसके अलावा ऑपरेशनल एरियाज में आर्मी जो है प्रोवाइड करती है गैस, बट हम कोशिश करते हैं कुछ नया बनाने का, कुछ अलग बनाने का और ऑपरेशनल स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट देने का। कस्टमर आर्मी है या कस्टमर इंडिविजुअल सोल्जर्स? इंडिविजुअल सोल्जर्स। गवर्नमेंट आपका कस्टमर नहीं है? यस एंड नो। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं नहीं टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा। ओके। वी प्रोवाइड दिस थ्रू डीलर्स। डीलर्स पार्टिसिपेट इन टेंडर्स, दे सप्लाई इट व्हाटएवर। आर्मी कैंटीन जो होती है, हां जी, तो आर्मी कैंटीन इज अ अलग ऑर्गेनाइजेशन, इज फौज नहीं है वो, अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और टिपिकली आर्मी कैंटीन होती है एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एरिया में, हाँ जी, तो वहाँ पे फौजी एक बार कैंटीन आ रहा है तो वो बाकी सामान भी खरीद सकता है। क्या आपका जो बिजनेस मॉडल है उसमें मुझे दिख रहे हैं कि दो प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। वन जो उनको कॉम्बैट में उनकी जरूरत होती है, तो एक नेसेसिटी हो गया, सेकेंड हो गया एज अ गुड टू हैव। स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो दे वांट समथिंग एडिशनल। एवरीथिंग दैट आई एम सेलिंग राइट नाउ इज गुड टू हैव। नेसेसिटी इज बीइंग मेट बाय द गवर्नमेंट। हां जी, आई एम डूइंग मोर देन व्हाट द गवर्नमेंट इज गिविंग। तो आप डीलर्स को बेचते हैं और डीलर्स के पास से या तो गवर्नमेंट खरीदेंगे जो नेसेसिटी आइटम्स हैं, या तो फिर इंडिविजुअल सोल्जर्स खरीदेंगे जो उनको थोड़े एडिशनल आइटम्स चाहिए वो। बिल्कुल। एवरेज ऑफिसर के पास कितने अपने खुद के खरीदे हुए कपड़े होते हैं, कितने आर्मी के दिए हुए नॉर्मली? जब मैं नौकरी कर रहा था मेरे पास आर्मी की दी हुई यूनिफॉर्म्स में शायद 2 कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स थी, मेरे पास खुद की यूनिफॉर्म्स 20 से अधिक थी। नॉन फौजी भी खरीद रहे हैं ये? हाँ, दैट मार्केट एग्जिस्ट एंड इट्स अ बिग मार्केट।
पर मैं अभी उसमें हूँ। आपके डीलर के थ्रू आपको नहीं लगता खरीद रहे हैं नॉन फौजी ऐसे कपड़े खुद पहनने के लिए? वेरी मार्जिनल, सो बिकॉज़ हमारे डीलर्स प्रेजेंट ही ऑपरेशनल एरियाज में हैं। अच्छा, ये फौजी मार्केट कितना बड़ा है? सो आई विल टेल यू व्हाट आई हैव स्टडीड, देयर इज नो मार्केट स्टडी अवेलेबल ऑन दिस। व्हाट आई हैव डन इज बिट ऑफ एन एनालिसिस कि कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। तो आई हैव आइडेंटिफाइड 10 प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं, जो हम प्रोवाइड करते हैं गुड टू हैव वाले। तो इसमें मैंने कंसिडर किया ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स के लिए पहनते हैं हर विंटर में, एवरी यूनिट वांट्स अ ट्रैक सूट जिसमें उनका लोगो होगा, हर जवान ये तो कम से कम हर कोई खरीदता है। टी शर्ट्स गेम्स के लिए, शॉर्ट्स, सॉक्स, इसके अलावा छोटे मोटे और आइटम जैसे कैप होगी, विंटर कैप्स होगी जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने 10-12 आइटम लिस्ट किए, उसकी जो है रिक्वायरमेंट वो समवेयर अराउंड 1800 crores for just these many articles. तो फिर इतने सारे क्यों डिस्प्ले किए, इतने SKUs क्यों हैं फिर? This is to display our capability कि हम क्या बना सकते हैं। बट ये बनाते नहीं हैं। बनाते हैं, लेकिन कम मात्रा में बनाते हैं। अच्छा। I think we make somewhere around 300 different articles. और इस 1800 crore की market में suppliers तो भर के होंगे आपके जैसे और भी बहुत players होंगे। There are suppliers. हाँ जी। So अभी there is a shift in the market, which I have realized because of my experiment in the market also. कि पहले क्या था कि प्रेफर करते थे सस्ता, अभी क्या प्रेफर कर रहे हैं क्वालिटी, नंबर एक। नंबर दो, कोई ब्रांड नहीं है। आपने शायद अंडर आर्मर का नाम सुना हो, 5-11 टैक्टिकल का नाम सुना हो, तो ये भी इसी तरह का काम कर रहे थे जैसा हम कर रहे हैं। वो एस्पिरेशन को ब्रिज करते हुए they've gone into the common market. तो यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे है, एस्पिरेशन ब्रिज है। आपके प्रोडक्ट और आपके कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट में फर्क क्या होगा? क्वालिटी, क्वालिटी, क्वालिटी। देख सकते हैं? बिल्कुल, आई विल शो यू। रेजिमेंट का लोगो यूज करना अलाउड है आपको? If they are placing an order, I don't use it for myself. I don't. I only give it to them once they give me the logo. This is a wallet that we make. These are belts that we make. T-shirts. This is a tactical shirt, something similar to what I'm wearing. और आपके दो ब्रांड नेम क्यों हैं? मैंने एक ब्रांड की थी प्राइस सेंसिटिव मार्केट के लिए। वे टी-शर्ट है एक दिमाग में वैल्यू की 300 rupees की लूंगा। तो हमने फिर क्या है उस प्राइस रेंज को मद्देनजर रखते हुए टी शर्ट लॉन्च की जो हम 320-350 की प्राइसिंग में दिया है। ये डीलर प्राइस है? वेरी थिन, नहीं, ये कंज्यूमर प्राइस है। कंज्यूमर प्राइस 300 rupees। आज भी जो आप जैसे वो टी शर्ट है आपने, ये वाली टी शर्ट नहीं दूसरी वाली, ये टी शर्ट हमारी इसका प्राइस है लगभग 500 rupees टू द कस्टमर। तो एक प्रीमियम ब्रांड है और एक अफोर्डेबल। एक अफोर्डेबल। प्रीमियम कौन सा, अफोर्डेबल कौन सा? स्पेक ऑप्स इज अ प्रीमियम ब्रांड and warmonger is the effort. क्या आपका aspiration है to remain a person who supplies to dealers? कि आपको Under Armour जैसे एक consumer brand भी create करना है? मेरा vision है like Under Armour, I should be able to cater and provide products to everyone today. One of my purpose, so I'll be honest with you, is to use the publicity that I'll get here to now go B2C. तो ऑनलाइन हम प्रेजेंस जनरेट करेंगे इसके। मेजर साहब, आपने जो आज बात बोली है ना, आधे से ज्यादा यहाँ पे कंपनीज आती हैं पब्लिसिटी के लिए लेकिन बोलती नहीं है। आज आपने खुल के बोला है, यही तो होता है एक आर्मी मैन का जो अंदर से ऑनेस्टी होती है। स्ट्रेट शूटर इन बोथ वेज। इसमें मेरे समझ में जो नहीं आ रहा ना, आपने बोल रहे डिफरेंशिएशन क्वालिटी की है और आप बोल रहे हो मैं डीलर्स के लिए बनाता हूँ, होलसेल का काम हो गया अपना मोटा मोटी, तो वहाँ तो ऑर्डर में स्पेक आता होगा ना, इतने जीएसएम में इस मटेरियल में बना के दो, तो क्वालिटी फर्क कैसे होती है? सो जो स्पेक्स आता है वो आता है टेंडर बिजनेस में। तो डीलर बोल रहा है वो टेंडर में दे रहा है माल? हाँ, टेंडर में भी दे रहा है। जो टेंडर आते हैं उसमें स्पेक्स आते हैं, तो उसमें हम स्पेक्स को फॉलो या स्पेक्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कितना परसेंट टेंडर बिजनेस है अपना और कितना परसेंट मेनली रिटेल है? थ्रू द डीलर्स इट्स रिटेल। गॉट इट। सेल्स ही बता दीजिए ना। लास्ट ईयर हमने जो सेल किया वो किया 6.26 crore। और पिछले महीने आपने कितना किया? पिछले महीने वी डिड अबाउट 70 lakhs। तो अभी आप 8.5-8.69 crore की रन रेट पे। राइट। पिछले 2-3 साल का बता दो तो एक ग्रोथ कर्व का ध्यान समझ में आए। तो लास्ट ईयर वाज 6.26, या द ईयर बिफोर दैट वाज 5.6, द ईयर बिफोर दैट वी वर एट 2.95। गुड ग्रोथ मेजर साहब। मार्जिन कितना अपना?
मार्जिन अराउंड 20-22% के बीच में। क्या घर पे बचता है 20%? वो घर पे बचता है 8% नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो 70 लाख पिछले महीने में आपको करीब 6 लाख घर में बचे। 10 है टॉप 3 SKUs that make up 80% sales. So number 1 is our cargo trousers, 30-35%. That's interesting. Next. So next is tactical shirt, the kind I'm wearing. बहुत अच्छी शर्ट। So what percent of sales? That's about 20%. Third is t-shirts. That is somewhere around 18-20% के बीच में। So again 20. So you're talking about 75% is sales. Is dominant. ये तीन कैटेगरी। तीन कैटेगरी। मेजर साहब अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट उठाई है? नहीं अभी तक नहीं। वैल्यूएशन का आपका बेंचमार्किंग क्या थी? I have kept it at about 5 times sales that we are doing this year. So I'm expecting about 8.5 crore के आसपास का हमारा सेल टर्नओवर होगा। आपने प्रॉफिट टाइम्स कितना मल्टीपल लगाया? Frankly, I have not calculated. आपका कितना था प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट 70 लाख 50 टाइम्स प्रॉफिट मल्टीपल। अगर आप प्रॉफिट मल्टीपल देखो तो मतलब नॉर्मली थोड़ा ज्यादा है, बट ये आपको किसी ने सीए ने बता दिया होगा ये 5 टाइम्स मल्टीपल सेल्स। हां, दिस इज द डिस्कशन आई हैड विद सम फ्रेंड हु इज मेरी फाइनेंस में नॉलेज, मेरी लिमिटेड नॉलेज है इसमें। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपने 6.5 करोड़ का धंधा खड़ा कर दिया, कुछ तो जानते हो। जैनल, मैं आउट हूं। आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है और मैं आपको बताती हूँ ऑनेस्टली क्यों। किसी इन्वेस्टर को आपका पार्टनर बनना मुश्किल इसलिए है कि स्केल नहीं होगा और वी विल नॉट गेट एन एग्जिट। और ये कैमोफ्लाज प्रिंट एक बहुत ही कॉमन थीम है, उसमें अच्छी क्वालिटी अफोर्डेबल चीजें मिल रही हैं आज अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे भर भर के। तो वहां भी आपको स्केल का चैलेंज होगा, बट ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हु यू आर एंड व्हाट यू हैव डन। तो मेजर साहब, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, इसको अगर आप कंज्यूमर में लेके जाओगे ना, जैसे एक ब्रांड है टिम्बरलैंड, यूएस वगैरह में बहुत चलता है, करेक्ट? ऐसे अगर आप इंडिया में ऐसा कोई ब्रांड बना सकते हैं हम, जिसमें आपको यूज करके ब्रांड बन सकता है, विच इज ऑन सिमिलर प्रिंट्स, सिमिलर कलर्स, और जितना अपना क्वालिटी में फोकस है ना, उसकी तरफ से आप बहुत एरियाज में एक, अगर इसमें ब्रांड बनाए हैं तो आपको उसकी लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा कर सकते हो। जैसे अगर आप, मैं स्पीकर भी बनाता हूँ ना, और आपने इसका एक ब्रांड बना दिया तो मैं बोट एक्स स्पेशल ऑप्स स्पीकर भी बना सकता हूँ, बिल्कुल, जिसमें आपका ब्रांड नेम का लेवरेज हो सकता है। अभी तक कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इस पे गेम खेल रहा है, तो उसके लिए मैं खेल सकता हूँ। वैल्यूएशन में थोड़ी सी आपको लॉजिकल दूंगा कि मुझे लग रहा है 40 करोड़ थोड़ा ज्यादा है। आई विल गिव यू 20 लैक्स एट 10%, 60 लाख डेट एट 12% फॉर 2 इयर्स। सर, मेरा भी एक ऑफर है आपको। मेरा ऑफर आपको रहेगा, 10 करोड़ का वैल्यूएशन लगाया मैंने, 5% मेरे को चाहिए, 50 लाख पर इक्विटी, 30 लाख इन डेट फॉर 12% इंटरेस्ट। वैल्यूएशन जो आप मुझे दे रहे हैं, इफ वी वर नॉट इन दिस प्लेटफॉर्म, मैं तो सुनता भी। स्ट्रेट शूटर। पर आप ये रिकॉग्नाइज करिए कि ये प्लेटफॉर्म का प्रीमियम है। आई थिंक इंडिया को ये सुनना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म का प्रीमियम। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर टू यू टू एज वेल। एंड आई डोंट वांट टू साउंड कि मैं रूड हूँ। आई नो कि किसी और की बिजनेस, सिंस यू, आपको पता नहीं है उसके बारे में निटिग्रिटीज, इतने छोटे फ्रेम में पता भी नहीं चलता, राइट, कि क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम आज 8.5 लाख सेल इज थ्रू माई रेगुलर चैनल। आई एम राइट नाउ इन एन एडवांस स्टेज वेयर आई एम गेटिंग एन ऑर्डर फॉर 8 लाख, 8 करोड़, सॉरी नॉट 8 लाख, 8 करोड़ प्लस एक ऑर्डर आएगा जो कि मैं 3 महीने में एग्जीक्यूट करूँगा। 8 करोड़ का, 8 करोड़ का ऑर्डर, एक सिंगल ऑर्डर। आप ये बिना फंडिंग के भी आप ये फुलफिल कर सकते हो? ठीक है, समझ गए। तो जमेर साहब, मैं वैल्यूएशन चेंज करता हूँ, 15 करोड़ की वैल्यूएशन। 2 करोड़ से 15 करोड़, उन्होंने ऑर्डर बताया ना अभी, सुना नहीं आपने शायद, 2% जो आपने ऑफर किया था, 30 लाख रुपए कैश, बाकी डेट एट 12% फॉर 2 इयर्स। आप एक बिजनेस कर रहे हो जो आपका टेंडर, मतलब जो भी आप सप्लाई कर रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें ज़्यादा आपकी हेल्प मैं नहीं कर पाऊँगी, आप ऑलरेडी कर रहे हो। पर जो आपका सेकेंड एरिया है ना, जो डेवलप हो रहा है, विच इज़ ऑन द रिटेल साइड, वो वाला एरिया मुझे आता है। कई जगहों में ना आपको एक वायरलिटी चाहिए, आपके ब्रांड में वो वायरलिटी बन सकती, क्योंकि अभी तक इंडिया ने ऐसा कोई ब्रांड बनाया नहीं है जो मुझे पता है जो वायरल बन सकता है ऑन कैमोफ्लेज मिलिट्री बेस्ड प्रोडक्ट्स। इट इज समथिंग विच इज वेरी न्यू एंड दैट इज द रिस्क आई एम टेकिंग। But 15 crores you're taking any risk, let me tell you that. Seriously. Salute!
ये बताओ, आप शार्क हो या हम शार्क? नहीं नहीं, असली शार्क तो वहाँ है सर। शार्क आप हैं। I'm just trying to get a decent value, which I feel is decent. 40 करोड़ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। 2 करोड़ का जब तक वैल्यूएशन था तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था, अभी 15 करोड़ तक आपने पहुंचा दिया और मैं आपकी वैल्यू कर रहा हूँ डी टू सी बिजनेस की। सो इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, ऑल्दो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मार्केट, कि ये कोई वैल्यूएशन बेंचमार्क मैं बिठा पाऊंगा जो आपको पसंद आएगा, तो उस वजह से मैं आउट हूँ। डी टू बी बिजनेसेस को वैल्यू करना मुश्किल होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स ऊपर नीचे होते हैं, आते जाते हैं, लो मार्जिन, लॉन्गर वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है। तो मुझे नहीं लगता ये वैल्यूएशन मैच आपकी जो एक्सपेक्टेशन है एंड मेरे दिमाग में जो हो सकता है गिवन द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस वो हो पाएगा। एंड बी टू सी कितना बड़ा होगा उस पर आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस। तो फॉर नाउ आई वुड रिस्पेक्टफुली एग्जिट, बट बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी वेरी प्राउड एंड इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक यू सो मच। शायद थोड़ा पर्सनल हो गया हूँ क्योंकि जो वैल्यूएशन आप बता रहे हो मैं अपनी पर्सनल समझ रहा हूँ कि मेरी पर्सनल क्या वैल्यू लगा रहे हैं आप। आपकी पर्सनल की कैसे बात है? इसलिए बोलूं धंधा इज नथिंग बट मी। नहीं सर, हमारा काम है मैक्सिमाइज करना हमारा रिटर्न, इट इज नॉट अ वैल्यू अस्क्राइब टू अ पर्सन। 15 करोड़ की वैल्यूएशन दी सर अभी मैंने आप। चलो आपकी 15 की भी बहुत कम है सर, तो आपको एक काउंटर दे दो ना सर। मैंने तो बोल ही दिया। क्या क्या बोला? I came with an offer कि आप मुझे 80 लाख दीजिए, मैं आपको उसके बदले में 2%। अमित भाई आपसे बात कर सकते हैं? हाँ जी। All right, looks like you'll have a joint offer. Go for it, guys. तो वैल्यूएशन आपको 15% नहीं आ रही थी अमन की, तो दोनों मिलके आ रहे हैं 20 करोड़ की वैल्यूएशन हम लगा रहे हैं। ओके। 2% चाहिए, 40 लाख कैश में देंगे, मतलब बाकी 40 लाख है ऑन डेट 12% का फॉर 2 ईयर तो। ये हमारा फाइनल ऑफर है दोनों की तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर। आपको ऑफर मंजूर है? हाँ सर, ऑफर मंजूर। गुड नेगोशिएशन। But thank you, you're doing a great job. Thank you so much. And इसको बनाते हैं बड़ा। I look forward to that. Thank you so much. हाथ भी ऐसे मिला है दो टूट गया था। Sir, respect for you. Absolutely. Thank you so much. Let's build this up.